हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे से होंगे और मैं भी बहुत अच्छे से हूँ। फ्रेंड्स, आज मैं जो है काफ़ी टाइम बाद अपने ट्यूटोरियल का, मेहंदी ट्यूटोरियल का क्लास वो आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ, क्योंकि इधर बीच जो है फ्रेंड्स रोज़े स्टार्ट हो चुके हैं, तो उसकी वजह से वीडियो थोड़ा सा पॉसिबल नहीं हो पा रहा था बनाना। बट मैंने आज जो है आप लोगों के साथ अपना मेहंदी क्लास का 22 डेज़ जो है शेयर कर रही हूँ, यानी कि 22 क्लास आज हमारा है। और मैंने 21 में भी आप लोगों के साथ ब्राइडल की मेहंदी शेयर की थी, जो पॉम को छोड़ करके था। तो आज मैं जो है पॉम का डिज़ाइन आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। और अगर आप लोग जो है मेरा 21 क्लास डिज़ाइन को, आगे मैं आपको बताऊंगी 21 को कैसे इसमें ऐड करना है आज वाली डिज़ाइन में, तो उसके लिए पहले आप लोग ये वाली डिज़ाइन पूरी देखें। अपने आप में ये भी डिज़ाइन कंप्लीट मैंने बनाई है, तो आप इतना भी बना सकते हैं अपने हैंड में या फिर प्रैक्टिस करने में, क्योंकि ये डिज़ाइन भी कंप्लीट बनाई है। इसको मैंने आज हाफ नहीं बनाया है, क्योंकि इस तरह से ब्राइडल का जो हैंड होता है वो काफ़ी लंबा हो जाता है, एक ही वीडियो में बनाना पॉसिबल नहीं हो पाता है, इसलिए मैंने थोड़ा थोड़ा बताया है। तो अभी लाइन आप लोग वीडियो में बने रहिए, एंड लास्ट में मैं आपको जो है बताऊंगी कि 21 वाला डिज़ाइन आपको कैसे इस वाली डिज़ाइन में आपको कैसे इसको मैच करना है, ताकि आपका डिसमैच ना हो डिज़ाइन कहीं से भी। तो उसके लिए फ्रेंड्स ज़रूरी है प्रैक्टिस करते रहना सारे एलिमेंट्स का, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि प्रैक्टिस करते रहिए आप लोग, चाहे वो चेक हो, फ्लावर ग्रिड हो, लीव्स हो, कुछ भी हो, वो कोई भी एलिमेंट्स हो, उन सब की प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। और 10 डेज़ एगो मैंने जो है ये 21 का क्लास शेयर किया था, काफ़ी टाइम हो गया था ट्यूटोरियल दिए हुए, बट मैंने बीच में जो है मेहंदी की जो है डिज़ाइनें वो आपके साथ शेयर की हैं, कुछ डिज़ाइनें वो मैंने आपके साथ शेयर की हैं। तो आज जो है मेहंदी क्लास का मैं 22 डिज़ाइन आपके साथ शेयर करें फ्रेंड्स, और थोड़ा सा पॉसिबल नहीं हो पा रहा था, लेकिन फिर भी मैंने टाइम निकाल करके इसको आज की क्लास जो है मैंने इसको शूट किया आज की डिज़ाइन को। तो आप लोग अगर मेरी डिज़ाइन से प्रैक्टिस कर रहे हैं, अगर आपको पसंद आ रही हो तो प्लीज़ आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए। प्रैक्टिस आप कोई भी डिज़ाइन, कोई भी एलिमेंट्स जो आपको इजी लगता हो बनाने में, आप उसकी कीजिए। एंड जो इम्पोर्टेंट चीज़ होती है, जैसे ये अभी जो मैं बना रही हूँ, तो इसमें जितनी भी चीज़ें मैंने बनाई हैं, फ्लावर से लेकर के क्यारी जो बनाते हैं उसको, सारी चीज़ें बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। तो यहाँ पे जो है आप देख सकते हैं मैंने कितनी मतलब बारीक डिज़ाइन बनाई है। तो आप छोटे छोटे एलिमेंट्स को जब जोड़ते जाएंगे ना, तो वो आपकी एक लाइनिंग जो है ना डिज़ाइन की वो बनती जाएगी। जैसे आपने एक फ्लावर्स बनाया, साइड में आपने चेक दे दिया, ऊपर से आपने डबल क्यारी डबल आम भी बना दी, फिर उसको आपने फिल कर दिया फिलर एलिमेंट से। कोई भी फिलर एलिमेंट्स मैंने शेयर किया है आप लोगों के साथ, उनमें से कोई भी आप फिलर एलिमेंट्स ले लीजिए, या फिर आप डॉट दे के बस जो है क्रॉस लाइन ड्रॉ कर दीजिए, उससे भी जो है मेहंदी जो है वो भी, उससे भी फिलर एलिमेंट्स बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत ही अच्छा वो देखने में भी लगता है और बहुत ही ईजी तरीके से बन जाता है। तो मेहंदी की प्रैक्टिस करने के लिए क्या है कि एलिमेंट्स की प्रैक्टिस करिए, एंड जो आपसे इजी लगता हो फिलर साइड में वो आप भरिए, बाकी जो बेसिक चीज़ हैं जैसे जो बेसिक बनाना हो उसकी आप प्रैक्टिस करते रहिए। तो यहाँ पे मैंने एक ट्रायंगल शेप बना करके उसके अंदर एक फ्लावर्स दिया, फ्लावर्स बनाने के बाद मैंने एक बड़ी सी क्यारी बना दी है। अगर इसकी आँख बना के इसका चोंच बना दें तो ये जो है पिकॉक का भी शेप ले लेगा, तो ये और वो पिकॉक का शेप दोनों एक ही जैसा बनता है करीब करीब। जब आप फुल पिकॉक बनाएंगे तब उसमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है, हाफ पिकॉक जो है आप इस तरह भी बना सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे पिकॉक का शेप सिर्फ बनाया है, पिकॉक नहीं बनाया है, आप बना सकते हैं। और साइड में आप देख सकते हैं एक साइड का जो मैंने ग्रिड बनाया है उसको मैंने छोटे छोटे लीव से
कंप्लीट कर दिया है एंड दूसरी साइड में मैंने सिंपल सा चेक बनाया है और यहाँ पर मैंने राउंड फ्लावर्स बनाए, कोई भी हार्ड एलिमेंट नहीं है, बहुत ही इजी एलिमेंट से मैंने बनाया है। बस ये है कि आप एक एक छोटे छोटे एलिमेंट जब बनाते जाएंगे तो आपकी मेहंदी वो कंप्लीट होती जाएगी एंड वो देखने में बहुत अच्छी लगेगी। बस थोड़ी सी फिनिशिंग के साथ आपको बनानी है एंड साइड में जो भी जगह थी वो देखिए मैंने एक डॉट रख करके फिर उसमें दो लेयर मेहंदी का दो लेयर कर दिया था, उसी से हमारी जो है वो बन गई। तो एक तरह का ये भी एक फ्लेयर एलिमेंट्स है, बहुत ही इजी है। तो अंगूठे की जो है मेहंदी मैंने जो है महीन चेक से बना दी है और इसमें मैंने फिंगर्स में, आगे देखेंगे आप, फिंगर्स में मैंने कई तरह के डिज़ाइन आपके साथ शेयर किए हैं अलग अलग, लेकिन आप कोई भी एक डिज़ाइन भी बना सकते हैं या फिर अलग अलग डिज़ाइने भी बना सकते हैं। मैंने फिंगर की स्पेशली क्लास अभी फिंगर का नहीं बनाए हैं तो इसलिए मैं जितने भी फिंगर हैं समय में अलग अलग डिज़ाइन बना देती हूं ताकि आप लोग को कई डिज़ाइनें जो है आप लोग के प्रैक्टिस में आ जाएँ। लीव्स को मैंने देखे, लीव्स को मैंने जो है बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से उसे कर्व साइज कर्व में दे दिया। पहले तो सिंपल लाइन खींचा, फिर उसके अंदर जिसकी जो पाइंस होती है उसको बनाने के बाद में फिर उसे मैंने जो है कर्व में बना दिया तो उससे वो थोड़ा सा ब्यूटीफुल हो गया लीव्स। तो अपने डिज़ाइन को ऐसे ही आप छोटे छोटे चीज़ों से मॉडिफाई कर सकते हैं कि जो है ज़रूरी कि जैसे मैंने, मतलब कोई भी आप किसी की भी डिज़ाइन ले लीजिए कि जैसे उनका बनाया आप वैसे बनाइए, नो दिस इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट कि आप सेम वैसा ही बनाइए, जैसे आपको आ रहा है आप वैसे बनाइए। बस ये है कि एलिमेंट्स कहाँ पे क्या यूज़ करना है कि आपकी मेहंदी कंप्लीट हो जाए, वो चीज़ ध्यान में रखना है आपको। सो फ्रेंड्स, जो है मेरी डिज़ाइन करीब करीब कंप्लीट हो रही है और मैंने जैसे कि बताया कि फिंगर्स में मैंने अलग अलग तरीके से डिज़ाइन बनाया है। तो अगर इसको मैं बहुत ही स्लो मोशन में करूँगी तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, तो इसलिए इसको थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड कर दिया है मैंने। फिंगर्स की जो भी डिज़ाइनें हैं वो सारी मैंने फ़ास्ट फॉरवर्ड कर दिया, बहुत ज़्यादा ही फास्ट कर दिया था। तो आप इसका जो है डिज़ाइन, कोई भी डिज़ाइन का आप स्क्रीनशॉट लेकर के तब उसकी प्रैक्टिस कीजिए तो आपको ज़्यादा इजी होगा। आप इस डिज़ाइन को भी सारे फिंगर्स में बना सकते हैं, आप बहुत अच्छा लगेगा देखने में। और यहाँ पे जो मैंने फ्लेयर एलिमेंट्स का यूज़ किया है पाम में, वही मैंने इस फिंगर में भी यूज़ करे, तो आप सारे फिंगर्स में यूज़ कर सकते हैं। ये मेरा 21 क्लास की जो है मेहंदी का डिज़ाइन है आप देखिए, और ये मेरा आज की मेहंदी का जो है डिज़ाइन है। अब इन दोनों को जब हम लोग ज्वाइन कर देंगे, देखिए हमारा फुल हैंड की मेहंदी आ गई। अगर आपको पसंद आती है वीडियो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट डिज़ाइन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। Thank you, keep watching.